यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। महात्मा गांधी की 150वीं सालगिरह को धूमधाम से मनाने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा की। इस बैठक में महात्मा गांधी की 150वीं सालगिरह को देश भर में कैसे मनाया जाए इस पर सभी ने अपने विचार रखे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी इस बैठक में शामिल हुए, जिनसे बातचीत की हमारे संवाददाता अनिल मोर ने। देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री बैठक में बात करने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल सर जी धन्यवाद बैठक में बैठक में क्या कुछ खासा सभी राज्यों के मुख्यमंत्री देखिए आज मुख्यमंत्री कोई नहीं बल्कि महात्मा गांधी जी का जो 150वां वर्ष इस बार जो मनाने के लिए कमेटी बनी थी उस कमेटी की मीटिंग थी और इस कमेटी में कुल 115 सदस्य थे। बड़ी कमेटी है जो राष्ट्रपति जी ने बुलाई थी। राष्ट्रपति जी के मार्गदर्शन से मीटिंग शुरू हुई और मुख्य रूप से इस वर्ष को किस प्रकार से मनाया जाए ये एक सुझाव आमंत्रित किए गए। लगभग 35 लोगों ने अपने सुझाव दिए, बाकी लोगों ने लिखित में अपने सुझाव दिए हैं और प्रधानमंत्री जी को एक फरज किया गया है कि एक छोटी एग्जीक्यूटिव कमेटी बना लेंगे, उसकी जल्दी से और मीटिंग बुलाई जाएगी। बाद में 2 अक्टूबर 2018 से लेकर और 2 अक्टूबर 2019 तक वर्ष भर में देश भर में किस प्रकार से कार्यक्रम चलेंगे उनको मूर्त रूप देने के लिए कमेटी है और अच्छे अच्छे सुझाव आए हैं। सर, 150वीं वर्षगांठ का जो सुझाव है, सुझाव किस तरह के आएंगे? उसमें मुख्य रूप से महात्मा गांधी जी के विचारों को लेकर के, जैसे मानो ग्राम स्वराज्य की बात है, स्वच्छता की सफाई अभियान का जैसे बहुत बड़ा एक कार्यक्रम पहले से ही चल रहा है, उस स्वच्छता के अभियान को और ज़रा तेज़ी से चलाया जाए और उनका अहिंसा का जो एक विचार है उस विचार को लेकर के, जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस का नाम दे दिया गया है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अलग अलग देशों में भी उनके विचारों की गोष्ठियाँ की जाए, ऐसे विभिन्न प्रकार के सुझाव आए। बिल्कुल बैठक में कई महत्वपूर्ण सब हरियाणा की तरफ से जितेंद्र के साथ।